अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है गोलकुंडे से। गोलकुंडा नया किले के पास कुछ किसानों की ज़मीन थी, यानी कुछ फार्मर्स की ज़मीन थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़मीन किसानों की दो किस्म की होती है, एक होती है पट्टा लैंड और एक होती है लवानी पट्टा। अब हो सकता है शायद इनकी लवानी पट्टे की लैंड थी जहां पर ये खेती बाड़ी करते थे, लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस दरमियान वहां पर पुलिस के साथ हुकूमत के आला अहदेदार आते हैं और इस ज़मीन को इनके पास से छीन लेते हैं और इनको ये दिलासा देते हैं कि इसके बदले में आपको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी, मोइनाबाद के पास आपको ज़मीन दी जाएगी। ऐसा दिलासा दिया, फिर बात उसके वहाँ के लोगों को ले आकर मोइनाबाद पर ज़मीन भी दिखाते हैं और वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। अगर हुकूमत हमें मोइनाबाद में ज़मीन दे रही है तो हम इसके लिए राज़ी हैं। फिर बात उसके इनकी जो ज़मीन थी गोलकुंडा किला नया किले के पास, उस ज़मीन हुकूमत ले लेती है, फिर उसके बाद इनको इंतज़ार करना पड़ता है। इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार 2014 से लेकर अब 2020 आ गया, यानी पूरे 6 साल मुकम्मिल हो गए, लेकिन अब तक इनको ज़मीन नहीं मिली। अब ये गरीब फार्मर्स को क्या पता है कि हुकूमत जब कोई वादा करती है तो हुकूमत के पीछे फिरते 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 ना जाने कितने जूते और चप्पलें घसे जाते हैं। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था होगा। आखिरकार वहाँ के लोग तंग आकर एबिट्स कलेक्टर ऑफिस के पास धरना देते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एबिट्स कलेक्टर ऑफिस, जहाँ पर ये फार्मर्स धरना दे रहे हैं। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।